गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर ऑफ मीडियन. ओके, तो देखो बेटे, ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर जो आपको सीरीज गिवन है बेटे, वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. कौन सी सीरीज है? क्योंकि यहां पर बेटे वेज रेट के साथ आपको क्या गिवन है? लेस देन. लेस देन जब आपको वेज रेट के साथ गिवन है, इट इज इम्प्लाइड दैट इट्स अ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. सबसे पहले बेटे आप इस सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में चेंज करेंगे. वो आपको आता है, ये चेंज कैसे करेंगे आप इसको? देखो बेटे, आप इस सीरीज को चेंज करेंगे तो इसके अंदर बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो ये वेज रेट है हमारी, पहले इसको ओके कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सही तरीके से समझ में भी आए. इनके अंदर जो डिफरेंस है बच्चों कितने का है? 10 का. तो क्या बन गया ये? 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 एंड 60 टू 70. कहां तक है बच्चों? 80 तक है. 70 टू 80. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. कौन सी सीरीज है बच्चों? ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले हम इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों? सिंपल फ्रीक्वेंसी के अंदर. मैं कॉम्युलेटेड राइट साइड पर लिख लेती हूं ताकि आपको सही ढंग से समझ में आए. 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 and 250. ओके, तो बेटे आप माइनस करोगे. पहले कितनी आ गई? 15. सिंपल बनाने के लिए इसको माइनस ही करना पड़ेगा आपको ताकि क्या बन जाए? सिंपल फ्रीक्वेंसी बन जाए. ओके, अब बेटे 60 में से 35 को माइनस करोगे, ये आ जाएगा हमारा 25, दैट इज 24. ओके, फिर इसमें से इसको करोगे बेटे 96 में से, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 12. उसके बाद बेटे यहां पर इसको करोगे 12 में से 9, 3. ओके, इसमें से करोगे 1 और ये आ जाएगा बच्चों 71. और इसमें से बेटे इसको डिडक्ट करोगे, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 52. क्या आ जाएगा हमारा? 52. पास क्या बन गई? सिंपल फ्रीक्वेंसी. स्टूडेंट, प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेसिकली फ्रीक्वेंसी जब हमें गिवन होती है तो हम लोग किस तरह से मीडियन कैलकुलेट करती हैं. तो बेटे अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे. मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस N बाय 2 माइनस CF अपॉन में L2 में I. तो देखो बेटे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं M, दैट इज N बाय 2. N बाय 2 यानी कि टोटल, अगर आप इसका टोटल करोगे बच्चों तो ये आएगा बेटी हमारा 250. ओके, तो 250 डिवाइड बाय 2 दैट इज 125. ओके, तो बेटी जो हम वैल्यू लेंगे ना वो 125 से क्या होगी? कम होगी. तो बेटे ये तो बन गया बच्चे हमारा CF, उसके बिल्कुल नीचे F और उसके बिल्कुल सामने L1. क्या आ जाएगा? L1. ओके, तो देखो बेटे आप इसकी वैल्यू कैसे पुट डाउन करोगे. L1 यानी कि लोअर लिमिट क्वेश्चन में कितनी है बच्चों? 50. ओके, और ये कितना आया था हमारा? 125 माइनस CF. CF क्वेश्चन में कितना है बच्चों हमारा? 96. ओके, उसके बाद बेटे यहां पर हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 31. और जो डिफरेंस है आई मन इंटरवल, ठीक है ना बेटे, वो कितना है क्वेश्चन के अंदर? 10. ओके, आगे आप इसको सॉल्व करेंगे. 50 प्लस ये आ जाएगा हमारा 9 और ये आ जाएगा बच्चों बेसिकली हमारा 12 में से 15 में से 6 गए 9 और ये आ गया बच्चों हमारा 11. 11 में से हमारे 9 जाएंगे तो कितने का बचेगा बच्चे? 29. ओके, 31 इंटू में 10. आप इसको बेटे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 59.35. ओके, तो देखो बेटे ये मीडियन कैलकुलेशन है किस सीरीज के अंदर है बच्चों? इन लेस देन सीरीज. बेटे इसी पॉइंट के अंदर मैं तुम्हें एक टॉपिक और क्लियर करूंगी. देखो बेटा, जैसे मान लो यहां पर तो क्वेश्चंस के अंदर, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है बेटे. ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपने ऐसे इसको कॉम्युलेटिव को सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करके सॉल्व कर दिया. ओके, तो बेटे मान लो कई बार क्या होता है कि क्लास इंटरवल सेम नहीं होता, ठीक है? जैसे यहां तो क्लास इंटरवल क्या है बेटा? सेम है. कई बार क्लास इंटरवल सेम नहीं होता है तो उस पोजीशन में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि मैम हम इंटरवल कौन सा लें. तो बेटे जो आप लोग L1 लोगे ना, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटे, जैसे हमने L1 इसको लिया है और यहां पर जो डिफरेंस है ना बच्चों वो 70 है. कितना है? 70. तो यहां पर जो हमारा इंटरवल है यानी कि आई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी? 20. और यहां हम लोग 10 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 20. दोबारा से सुनिए,
व्हेन क्लास इंटरवल आर देन हम लोग मीडियन कैसे करेंगे। बाकी सब प्रोसेस बच्चों बिल्कुल सेम रहेगी, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि हमारा जो हमने L1 लिया है सीरीज के अंदर, उनके बीच का डिफरेंस कितना है। अगर उनके बीच का डिफरेंस जितना भी है, वही बेटे हमारा क्या बन जाएगा, इंटरवल। तो बेटे यहां पर मैंने आपको दो टॉपिक क्लियर किए हैं कि हम लोग कॉम्बिनेटिव से सिंपल में कैसे चेंज करके मीडियन निकालेंगे। सेकेंडली, अगर हमारे क्लास इंटरवल अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे। अगर क्लास इंटरवल अलग है तो जो हम लोग यहां पर L1 लेंगे, इट मीन्स लोअर लिमिट, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा बेटे, इंटरवल होगा। बाकी क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करना सिखाऊंगी जहां पर बेसिकली हमें क्या दे रखा है कि कुछ फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है। तो बेटे जहां पर फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है वहां पर बेटे क्वेश्चन के अंदर मीडियन की वैल्यू गिवन है, और इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन की वैल्यू है बच्चों 30। ओके, यहां पर हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो एन की वैल्यू दे रखी है, आपको पता है बेटे इंडिविजुअल सीरीज में एन, और बेसिकली हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, वहां पर टोटल ऑफ है एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो बेटे यहां पर बेसिकली तो मीडियन हमें गिवन है, तो ये बेटा फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर तो क्वेश्चन मार्क है, इनको बेटे की जगह हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, F1 और F2। ओके, तो बेटे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम इसमें निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं बच्चों, कॉम्युलेटिव। ओके, 10 प्लस F1, 35 प्लस F1, अरे आ गया बच्चों 65 प्लस F1, 65 प्लस F1 प्लस F2, 75 प्लस F1 प्लस 75 प्लस F1 प्लस F2। लेकिन बेटे इसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि N यानी कि टोटल ऑफ F की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बच्चों, हमें 100 दे रखी है। तो बेटे आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या लेंगे, 75 प्लस F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू 100। तो हम एक इक्वेशन बना लेंगे बच्चों, F1 प्लस F2 100 माइनस 75। यहां पर बच्चों F1 प्लस F2 हमारे क्वेश्चन में कितनी आ गई, 25। ये हो गई बच्चों हमारी एक इक्वेशन। ओके, आते हैं हमारा मीडियन का फॉर्मूला। हमारा मीडियन का फॉर्मूले से पहले मीडियन कैसे निकालते हैं सीरीज में, एन बाय टू, एन क्वेश्चन में कितना है बच्चों 100, 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज 50। ओके, अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में मीडियन का फॉर्मूला वही रहेगा, L1 प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपोन में एफ इंटू में आई, अपोन में एफ इंटू में आई। अब यूं देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हम बेसिकली एन बाय 2 हमारा कितना आया बच्चों, 50 आया है। तो यहां पर बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या बन गई, 35 प्लस F1, और यहां पर बेटे ये हमारी क्या बन गई फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया बेटे क्वेश्चन के अंदर हमारी लोअर लिमिट, क्या हो गई हमारी लोअर एफ है। तो बेटे वैल्यू के अंदर हमारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 30 इज अवर मीडियन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। बेटे आपको मीन के केस में भी पता ही थी ये बात कि जब भी कोई भी फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन नहीं होती, एक्स की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो हमेशा मीन या मीडियन की वैल्यू गिवन होती है। ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारा 30। तो बेटा 30 प्लस, अब एन बाय 2 हमारे क्वेश्चन में कितने था बेटा, 50 माइनस, यहां पर हमने इसको क्या कंसिडर किया है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, इसको हमने कंसिडर किया है बच्चों 35 प्लस F1। ओके, F कितना है बेटे हमारा, F इस क्वेश्चन में हमारा बन गया 30, क्या बन गया बच्चों 30, ये हमने क्या कंसीडर किया है F, इनटू में इंटरवल, इंटरवल कितना है बेटा 10 है, ठीक है ना। तो बेटे बेसिकली यहां से ये 30 है, ये 30 से ये 30 आ जाएगा तो कैंसल हो गया, क्या बन गया बेटे ये 0, 10 से इसको करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे, तो ये क्या बन गया 50 माइनस 35 माइनस F1, ठीक है बच्चों। बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर बेटे हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा, यहां पर 0 इज इक्वल टू 15 माइनस F1 डिवाइड बाय 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या बन गया 15 माइनस F1 दैट इज इक्वल टू 0। यही कर देती हूँ बेटे इस क्वेश्चन को आगे मैं। तो यहां पर बेटे F1 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी आ गई 15। पुटिंग द वैल्यू पुट करेंगे आप लोग इस इक्वेशन के अंदर, ये हमारी इक्वेशन क्या थी बच्चों, F1 प्लस
F2 that is equal to 25. अब मेरे पास F1 की वैल्यू है क्वेश्चन में 15 प्लस F2 that is 25. F2 को यहां रखेंगे 25 माइनस 15. तो बेटा इस क्वेश्चन में F2 की वैल्यू कितनी आ गई 15 और F1 की वैल्यू बेटे क्वेश्चन के अंदर मैंने निकाली ली है वो कितनी है बेटा 15 और यहां पर बेटे सॉरी और यहां पर बेटे F2 की वैल्यू कितनी आ गई क्वेश्चन में 10. तो बेटे ये था कि कैसे हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग कोई भी वैल्यू है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. इसी वीडियो के अंदर बेटे मैं आपको थोड़े से मैरिट और डिमेरिट डिस्कस करना चाहूंगी मीडियन के. देखिए मीडियन की बहुत सिंपल है बेटे मीडियन को कैलकुलेट करना काफी आसान भी है और काफी सिंपल मेथड है मीडियन को कैलकुलेट करने की. सेकंड है बच्चों हमारा सर्टेन वैल्यू. सर्टेन क्या होता है एक निश्चित वैल्यू है बेटे मीडियन. सीरीज में से ही कोई ना कोई टर्म क्या होती है हमेशा मीडियन होती है. ये एक रियल वैल्यू है. मीडियन क्या है अपने आप में एक रियल वैल्यू है. जब हम लोग मीन निकालते हैं बेटे अर्थमेटिक मीन की बात कर रही हूँ बेटे मैं तो वहां पर बेटे हम लोग बेसिकली सीरीज में से कोई भी वैल्यू कभी भी मीन वैल्यू को कभी भी मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती है. ठीक है बेटे अब इजी टू कैलकुलेट वही सिंपल मेथड है बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना. और बेटे बेसिकली आप देखेंगे बुक के अंदर इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी गिवन है ग्राफिकली हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं. अब बात आती है इसकी डिमेरिट की. डिमेरिट्स में बेटा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर. आपने जो वैल्यू निकाली है बेटे मीडियन की जरूरी नहीं है कि वो सीरीज को रिप्रेजेंट करे. ठीक है ना एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को ऐसा होना जरूरी नहीं है. सेकेंड है बच्चों हमारा अनरियलिस्टिक वैल्यू है. ये अनरियलिस्टिक वैल्यू क्यों है बेटे क्योंकि बेसिकली ना तो ये सीरीज में से हो सकती है. ठीक है ना सीरीज में से ही है ये वैल्यू. ये जो वैल्यू होती है मीडियन की वो सीरीज को ही रिप्रेजेंट करती है. ये अनरियलिस्टिक इस कारण से है बेटा क्योंकि बेसिकली जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या करती है पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है. ठीक है नेक्स्ट है बच्चों हमारा लैक ऑफ अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन. मीडियन के अंदर हम लोग कोई अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि यहां पर हम लोग सीरीज का सम अप करते हैं बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. इसलिए बेटे अर्थमेटिक मीन क्या है हमें अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराता है जबकि मीडियन में ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. आज की वीडियो के बाद बेटे आपका मीडियन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है.